अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। यूपी में 25 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाक का ऐसा बदला कि सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। अगर दोस्तों आपसे गलती से भी नाग या नागिन मर जाए तो उसे तुरंत जला देना चाहिए क्योंकि नागिन अपने नाक की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाक को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाक का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। दोस्तों ये घटना यूपी के रहने वाले अरुण राणा के साथ घटित हुई। एक बार अरुण अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से वापस घर जा रहा था, तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर फुक्कारे मारने लगा। ये देखकर अरुण के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और अरुण को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे, लेकिन अरुण को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। अरुण इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों इसके बाद अरुण ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। जब वो नागिन अपने नाक के पास गई तो अपने नाक को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाक के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाक का बदला लेने के लिए अरुण को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन अरुण के गांव में उसके घर में पहुंची, तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती, तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों अरुण पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। अरुण की माँ का ब्याह काफी गरीब घर में हुआ था जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी जिस वजह से उन्होंने अरुण को पालने का फैसला किया। अरुण का लगाव पढ़ाई में ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं अरुण भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर अरुण ने कई डिग्रियां भी हासिल की और वो जानवरों का बड़ा डॉक्टर बन गया जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों जब 25 साल के बाद अरुण अपनी मौसी के साथ गांव आया तो उसे देखकर सभी गांव वासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर अरुण काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगा। तभी उसकी नजर उस नागिन पर गई जो कि पूरी तरह से जख्मी थी, उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही अरुण ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहाँ से उसे पकड़ने का औजार ले आया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन नागिन की आंखों में तो अरुण की तस्वीर छपी हुई थी तो उसने तुरंत ही अरुण को पहचान लिया। दोस्तों जैसे ही अरुण ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही अरुण के पैर को डस लिया। अरुण को डसते ही नागिन तुरंत ही वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही अरुण की मौत हो गई। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाक का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। तो इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।